सो टुडे देखते हैं इस सेमिनार ऑन वेरियस न्यूक्लियर रेडिएशन डिटेक्टर विद इफिशियंसी एंड एनर्जी रिजुलेशन। तो फर्स्ट ऑफ ऑल देखते हैं कि गैसियस रेडिएशन डिटेक्टर क्या होते हैं, क्योंकि ये एक गैस फिल्ड ट्यूब होती है, यानी एक पॉजिटिव इलेक्ट्रोड एनोड एंड नेगेटिव इलेक्ट्रोड मतलब कैथोड होते हैं। जैसे कि इसमें देख सकते हैं, ये है एक विजुअलाइजेशन ऑफ आयन चैम्बर है। जैसे कि इसमें बताया गया डीसी वोल्टेज सोर्स होता है, मतलब आयन करंट होता है, एनोड एंड कैथोड होते हैं, इंसिडेंट रेडिएशन पार्टिकल इलेक्ट्रिक फील्ड मतलब जैसे कि येलो कलर वाले हैं ये क्या है आयनाइजेशन इवेंट, और ब्लू कलर वाले हैं वो होते हैं इलेक्ट्रॉन, और पॉजिटिव ऑरेंज वाले होते हैं पॉजिटिव आयन, जैसे कि इसमें बताया गया है। अब देखते हैं रेडिएशन डिटेक्टर होते हैं गैसेस आरडी होते हैं, ये थ्री प्रकार के होते हैं, आयन चैम्बर, प्रोपोजनल काउंटर के जीएम काउंटर। तो फर्स्ट देख रहे हैं आयनाइजेशन चैम्बर क्या होते हैं। एन इलेक्ट्रिक फील्ड अराउंड 10 टू पावर 10 मतलब 10 की पावर 4 वोल्ट मीटर होता है इज यूज टू कॉल ऑल द आयनाइजेशन प्रोड्यूस करता है बाय द इंसिडेंट रेडिएशन इन द गैस वॉल्यूम। जैसे कि इस ग्राफ में बताया जा सकता है, इस ग्राफ को मतलब वोल्टेज वाइज एंड अक्रॉस द आयन कलेक्टेड के बिटवीन शो किया गया है। अब जैसे जैसे वोल्टेज अप्लाई करते हैं, वोल्टेज अप्लाई करेंगे तो इकट्ठे होंगे आयन, तो इकट्ठे आयन होंगे तो इनसे इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट होगा, लेकिन इलेक्ट्रिक फील्ड इतना स्टेबल नहीं होता है, मतलब इतना सफिशियंट नहीं होता है, क्योंकि वो दो हिस्सों में बट जाए, एनोड एंड कैथोड पे चला जाए, इसलिए वो एक साथ ही रिकम्बाइन हो जाता है। तो यहाँ पर जैसे ही रीजन फर्स्ट में इलेक्ट्रिक फील्ड इंक्रीज होगा तो रिकॉम्बिनेशन क्या होगा डिक्रीज होगा, तो एक सेचुरेशन पॉइंट आएगी, उसके बाद वो जीरो हो जाएगा, जैसे फर्स्ट डॉटेड लाइन है रीजन फर्स्ट में बताया गया। इसके बाद जैसे रीजन बी आएगा वह दूसरा है आयन चैम्बर का है, तो इसमें होता है जो इलेक्ट्रिक फील्ड होता है वोल्टेज के कॉन्स्टेंट हो जाएगा धीरे धीरे, यानी कॉन्स्टेंट हो जाएगा। फिर थर्ड रीजन आएगा प्रोपोजनल काउंटर, उसमें इलेक्ट्रिक फील्ड धीरे धीरे डेवलप होगा, मतलब धीरे धीरे इंक्रीज होगा वोल्टेज के साथ, यानी और इसमें वेरिएशन भी होंगे और धीरे धीरे जाएगा, और एक सेचुरेशन जहाँ पर इसकी एनर्जी और इसके जो कैरियर चार्ज हैं वो क्या होंगे जीरो होंगे, वो पोजिशन होगी अवलांच। तो उसके बाद आएगा जीएम काउंटर, और इसके बाद देख सकते हैं ब्रेक डाउन जैसे कि इस ग्राफ में दिखाया गया। अभी इस प्रकार देखेंगे, ये होता है आयनाइजेशन चैम्बर की प्रॉपर्टी देख सकते हैं, नो एम्पलीफिकेशन, नो डेड टाइम, हाई एक्यूरेसी, स्टेबल होता है, सिग्नल रिफ्लेक्ट फॉर्म है, चार्ज आयन पेयर होते हैं, पल्स एवरी वीक सिंस ओनली प्राइमरी चार्ज मेजर होते हैं, रिलेटिवली लो सेंसिटिविटी होती है, इस प्रकार से ये सारी प्रॉपर्टी होती है। और प्रोपोजल काउंटर की प्रॉपर्टी देख सकते हैं, यहाँ मतलब हायर सेंसिटिविटी होती है, गैस एम्पलीफिकेशन होता है, 10 की पावर 3 या 4 होता है, लो एनर्जी फोटोन होते हैं, और होता है डिटेक्शन स्पेक्ट्रोस्कोपी होता है, इसे दो प्रकार में डिवाइड कर सकते हैं, अल्फा एंड बीटा रेडिएशन में। तो साइज पल्स का प्रोपोजल काउंटर डिपेंड करता है ऑन टू फैक्टर पर। इस ग्राम में देख सकते हैं तीनों रीजन वापस से शो किए गए, मतलब इसमें मतलब टू फैक्टर कौन कौन से थे, एक ऑपरेटिंग वोल्टेज होता है, एक एनर्जी डिपोजिटेड इन डिटेक्टर, जहाँ देख सकते हैं। अब जैसे कि यह जीएम काउंटर है, तो इसमें क्या होता है, गैस एम्पलीफिकेशन इज अबाउट 10 टू पावर 8, और पल्स साइज इज इंडिपेंडेंट होता है इनिशियल एनर्जी से, और नो एनर्जी इंफॉर्मेशन, डेड टाइम होता है, हायर सेंसिटिविटी होते हैं, सिंपल और लो कॉस्ट इलेक्ट्रॉनिक होते हैं, इस प्रकार से इनकी प्रॉपर्टी देखी जा सकती है। अब होता है डिटेक्टर इफिशियंसी कैसे मेजर की जाती है। डिटेक्टर इफिशियंसी जैसे इसमें फॉर्मूला दिया है, एस इक्वल टू n 4 pi upon epsilon ओमेगा। ओमेगा क्या है, यहाँ सॉलिड एंगल है, जैसे कि साइड में डायग्राम दिखाया गया, इसकी मदद से इसके फॉर्मूले से सॉलिड एंगल को कैलकुलेट किया जा सकता है। एस इक्वल टू नंबर ऑफ पार्टिकल एमिटेड पर यूनिट टाइम, एन इक्वल टू काउंट काउंट्स अंडर पीक, और एप्साइलोन इक्वल नंबर ऑफ पार्टिकल डिटेक्टेड अंडर पीक बाय नंबर ऑफ पार्टिकल फॉलिंग डिटेक्टर सोर्स, और ओमेगा इक्वल टू होता है सॉलिड एंगल सब सबटेंडेड बाई डिटेक्टर
एट ए सोर्स। अब होता है सिंटिलेशन डिटेक्टर। क्या होता है सिंटिलेशन? इज ए प्रोसेस होता है डिटेक्टिंग द प्रेजेंस ऑफ आयनाइजिंग रेडिएशन, मतलब जैसे कि इसमें देखते हैं आयनाइजिंग रेडिएशन होता है, इंटरेक्ट करता है विद सिंटिलेशन व्हिच प्रोड्यूस करता है पल्स ऑफ लाइट होते हैं जैसे इनऑर्गेनिक में। अब देख सकते हैं जैसे कि इसमें देख सकते हैं जैसे इंसिडेंट पार्टिकल होते हैं तो ये होता है सिंटिलेटर होता है। सिंटिलेटर सिंटिलेटर के बाद क्या होता है, ये होता है ल्यूमिनस फोटोन का यूज किया जाता है। इसके बाद जो सेकेंडरी फोटो इलेक्ट्रॉन होते हैं उनका यूज करके देखिए फिर हाई वोल्टेज जनरेट हो रही तो इनसे क्या पुटअप हो रहा है, आउटपुट में क्या लिख रहा है डिजिटल काउंटर, डिजिटल की फॉर्म में निकल रहा है जैसे देख एनालॉग की फॉर्म में निकल रहा है। उसके बाद टीवी है और ये टीवी टाइप का लगा हुआ है। इसके बाद आएगा डाटा स्टोरेज सिस्टम, उसमें जो भी आया अपना डिजिटल काउंटर वो डाटा स्टोरेज में सेव हो जाएगा। नंबर ऑफ काउंट इन डिपेंडेंट ऑफ द एक्टिविटी नंबर ऑफ इवेंट दैट इज प्रेजेंट होते हैं। अब इसमें देख सकते हैं इसमें जो सिंटिलेशन होता है डिटेक्ट, इसमें तीन प्रकार के होते हैं, एक तो ल्यूमिनोसेंस होता है और एक होता है ये होता है फ्लोरोसेंस होता है, फॉस्फोरोसेंस होता है। इस प्रकार से देख सकते हैं जैसे कि इसमें दिखाए गए जैसे कि ये नीचे एस जेड है मतलब होता है एस जीरो मतलब ग्राउंड स्टेट में मॉलिक्यूल है, तो कुछ मॉलिक्यूल एक्साइटेड होंगे, एक्साइटेड होंगे तो ऊपर जाएंगे उनका ऑब्जर्वेशन होगा, लेकिन सबका नहीं होगा। कुछ कुछ मॉलिक्यूल ऐसे होते हैं जो T1 लेवल में आ जाएंगे, मतलब यानी थर्मली वापस बैकडाउन स्टेट में आएंगे, उसे बोलेंगे फ्लोरोसेंस स्टेट। और कुछ होंगे जो T1 की साइड मतलब इंटर सिस्टम क्रॉसिंग करेंगे, उसे फॉस्फोरोसेंस बोलेंगे। इस प्रकार नीचे आएंगे। और सिंटिलेशन डिटेक्ट क्या ऑर्गेनिक सिंटिलेशन होते हैं डिटेक्ट, जो प्लास्टिक लिक्विड सोल्यूशन अप टू मतलब 1000 फोटोन पर मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट होते हैं, लो जेड डेंसिटी ऑफ अबाउट 1 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब होते हैं, नैनो सेकंड डी के टाइम होता है, रिलेटिवली इन एक्सपेंसिव होते हैं। इनके एप्लीकेशन देख सकते हैं ट्रैकिंग ट्यूब पीटी काउंटर होता है, इनऑर्गेनिक सिंटिलेशन में क्या होती है क्रिस्टल स्ट्रक्चर होती है सच एज ए NAI होते हैं, जैसे देख सकते हैं जैसे ये वोलेंस बैंड है और ऊपर क्या है कंडक्शन बैंड है। अब इसमें बिटवीन क्या है गैप ईजी मतलब ये ट्रैप है और ये होता है एक्साइटेशन बैंड और एक्टिव वेशन सेंटर इम्प्योरिटी मतलब सिंटिलेशन मतलब 200 to 600 नैनोमीटर, ये होता है हाई डेंसिटी और नैनो सेकेंड सो माइक्रो सेकेंड डी के टाइम होता है और ये एक्सपेंसिव होते हैं। और इनके एप्लीकेशन क्या होते हैं, ये मेडिकल इमेजिंग होते हैं, हाई स्टॉपिंग पावर एप्लीकेशन होते हैं। अब सिंटिलेशन डिटेक्टर होता है इसकी क्या होते हैं प्रॉपर्टी, हाई कन्वर्जन इफिशियंसी होता है, डी के टाइम ऑफ एक्साइटेशन शुड बी शॉर्ट होता है, मटेरियल ट्रांसपेरेंट टू बी इट्स ओन एमिशन होता है। इस प्रकार से इसकी प्रॉपर्टी हैं और इसके एग्जांपल भी देख सकते हैं जैसे सोडियम आयोडाइड है मोस्टली गामा डिटेक्शन में यूज होता है, प्लास्टिक सिंटिलेटर है वो मोस्टली यूज होता है बीटा पार्टिकल में, और जिंक सल्फाइड है और अल्फा पार्टिकल डिटेक्शन में यूज होता है। अब देख सकते हैं एनर्जी रेजिस्टेंस जैसे एक एग्जांपल देख सकते हैं जैसे 662 किलो इलेक्ट्रॉन वोल्ट की गामा रे को हम सिंटिलेशन फोटोन पर डालते हैं जिसमें 25,000 होते हैं, एग्जांपल NaN सोडियम आयोडाइड, तो इसमें लाइट का कलेक्शन 60% होगा तो फोटो कैथोड 15,000 फोटोन, तो फोटो कैथोड 20% होते हैं, फर्स्ट डायनोड मतलब 3,000 फोटो इलेक्ट्रॉन, तो गेन कितने की है 10^6, तो एनोड 3 × 10^9। तो रिजुलेशन देख सकते हैं N इक्वल टू E/W फ्लेक्चुएशन ड्यू टू रैंडम एनर्जी लॉस, N क्या है 4 और E क्या है एनर्जी, W क्या है कितना वर्क हो रहा है इस पे। तो N इज लार्ज होगा तो स्टैटिकल फ्लेक्चुएशन क्या होगा FWHM मतलब फुल विथ और हाफ वेव मतलब 2.35 × √N। तो फ्रैक्शनल एनर्जी कितनी होती है DE/E और ∆N/N तो 2.5/N, F के F एनो फैक्टर होता है और वेयर F इक्वल 0.4 गैसे और 0.14 सेमीकंडक्टर जनरेशन के लिए। अब जैसे कि इसमें इस डायग्राम में बताया गया है ये होता है एनर्जी इक्वल नंबर कितने हैं मतलब नंबर Ne और Nv मतलब N नॉट मतलब हाफ मैक्सिमम में जा रहा है और ये होता है N नॉट में जा रहा है मतलब FWHM मतलब स्टैटिकल फ्लक्चुएशन हो रहा है इस बीच में फुल विथ और हाफ वेव सोर्स स्पेक्ट्रम मतलब एनर्जी वर्सेस
काउंट रेट कितने हैं, एनर्जी वर्सेस काउंट रेट कितने, मतलब काउंट कितने हैं, उसके बीच में डायग्राम शो किया गया है। सो थैंक यू।